जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा है जहाँ तक, तो उसके आगे देख सकते हैं अभी सज्जा कला अस्त्र शस्त्र जहाँ पे रखा हुआ है उस कमरे में अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी मूर्तियाँ ही हैं, और आगे चलिए दिखाते हैं आगे क्या है। नीचे में इसका उम्र मतलब कितना दिन का है वो सब दिया हुआ है। यहाँ पे युद्ध करते हुए सैनिक का है, और यहाँ पे ये देवी का चित्र है। जय से प्राप्त हुई संस्कृति है, और जय इसे गया है। और वैसे तो देख ही सकते हैं यहाँ भी, और यहाँ पे कलाकारी है, चित्रकारी है, वही सब है यहाँ पे। ये सब गया जिला के से प्राप्त हुआ वस्तु है, उसको यहाँ पे रखा गया है। चलते हुए हम आपको यहाँ का एड्रेस बता देते हैं, जो कि ये पटना म्यूजियम आने का रास्ता जो है वो तो लगभग में पटना गया घाट से नीचे की ओर आता है, और जो इसका एड्रेस है वो कोतवाली थाना के पास और बुद्धा मार्ग पे पड़ता है पटना बिहार, और जो कि मंदिरी काठपुर मौसम के बगल में है, मौसम के बगल में पड़ता है। इसको ऐसे बोले तो नियर कोतवाली थाना बुद्धा मार्ग पटना बिहार में इसका एड्रेस हुआ, वहीं पे ये पड़ता है। और इसका स्थापना तो पहले ही बता चुके हैं, 1929 में हुआ था, क्योंकि उस वक्त अंग्रेजी शासन था उसी टाइम में हुआ था। लगभग अच्छा है, लकड़ी का ही बना हुआ है अधिकतर यहाँ का। यहाँ भी देख सकते हैं चित्रकारी ही है। काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने से, और तो देख सकते हैं क्या क्या है इसके अंदर में। यहाँ पे अंधेरा होने के कारण सही से दिख नहीं रहा है, लाइटिंग का इस कमरे में कम बंदोबस्त है, इसमें लाइटिंग कम है। इससे पहले जो भी कमरे में गए थे उसमें लाइटिंग काफ़ी बेहतर था और काफ़ी अच्छा था, और इस कमरे में लाइटिंग है लेकिन पर जलाया हुआ नहीं है सब बल्बों को। यहाँ पे देख सकते हैं काम कर रहा है मजदूर लोग, पहले के समय का ही है, क्योंकि ऊपर में सेठ बैठा हुआ है उसके नीचे सब लोग काम कर रहे हैं। और जैसा कि आप सभी को धन्यवाद इस चैनल को सब्सक्राइब और देखने के लिए हमारे वीडियो को, खासकर जो कि बाहरी लोग जो देखते हैं मेरे वीडियो को उनको खासकर धन्यवाद, जो कि कई लोगों का अपने ही देश में रह जाता है वीडियो आसपास में, और मेरा लगभग 20 से 25 देशों में वीडियो देखा जाता है, तो उसके लिए और लोगों को भी धन्यवाद जो कि बाहरी लोग हैं। उम्मीद है कि जब भी आइए इंडिया तो एक बार ज़रूर यहाँ का म्यूजियम में घूमिए आप लोग, और हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो तो आके देख ही सकते हैं, और जो यहाँ पटना के आसपास के हैं वो तो और भी अच्छा से देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि बंदूक रखा हुआ है युद्ध में इस्तेमाल हुए, और ये प्रथम युद्ध का यहाँ पे दिया हुआ है, प्रथम युद्ध में जो कि उपयोग हुआ वो सब शस्त्र है प्रथम विश्व युद्ध में। उसके आगे यहाँ पे आदिवासी लोग का दिया हुआ है, देख ही सकते हैं आदिवासी लोग का यहाँ पे बनाया हुआ है। और उसके आगे चलिए और भी दिखाते हैं,
ये सब हथियार सब हैं। ऊपर में जैसे कि तलवार रखा हुआ था और नीचे में देख सकते हैं लकड़ी का बनाया हुआ सब कुछ है। मतलब युद्ध जो कि ट्रेनिंग होता है उस समय में ट्रेनिंग जो होता था उसका है अभ्यास करने वाला, तो अभ्यास करने के लिए लकड़ी का ही तलवार ये सब उपयोग में आता था पहले, उसके बाद तलवार दिया जाता था, वही सब है। अब हम लोग पाटलिपुत्रा दीर्घा देख सकते हैं, पाटलिपुत्रा दीर्घा जो कि उसमें आप प्रवेश करेंगे कमरे में, यहाँ पे देख ही सकते हैं मूर्ति का जगह है पर खाली है, यहाँ पे एक मूर्ति लगा हुआ है। ये सब बिहार कला शास्त्र जो क्षेत्र आता है उसमें ये पटना म्यूजियम, ये पटना म्यूजियम हो गया, बिहार म्यूजियम, मतलब जो भी म्यूजियम है वो कला और शास्त्र के क्षेत्र में आता है। लाइक और कमेंट जरूर करें, देख ही सकते हैं यहाँ पे मूर्ति का सर भी नहीं है। काफ़ी बेहतर बनाया हुआ है इसके अंदर कमरे में, ये सब शीशे के अंदर में पत्थर पत्थर के तरह है। और उसके बगल में भी देख सकते हैं यहाँ भी, और यहाँ से देखिए इसके नीचे का दिखाते हैं कितना बेहतर लग रहा है देखने से ऊपर से। और मौसम बारिश का होने के कारण और भी बेहतरीन दिख रहा है। नीचे में छोटा सा पार्क बनाया हुआ है बैठने के लिए, पर बारिश है उसके कारण तो कोई जाएगा नहीं बारिश में, बारिश हो ही रहा है। तो अब हम लोग नीचे चलते हैं, ये देख ही सकते हैं दीवार के ऊपर में जो कि बनाया हुआ है पेंटिंग्स, काफ़ी बेहतर है बाहर में भी। अब हम लोग बाहर में आ ही चुके हैं तो अब बाहर की ओर चलते हैं, मतलब छोटा सा है पर बेहतर है। और देख सकते हैं बाहर में बारिश होने के कारण क्या लगा हुआ है, बाहर में गार्डन अच्छा है पार्क की तरह बनाया हुआ है घूमने के लिए, बारिश के कारण हम लोग बैठे हुए हैं एक ही जगह पे। काफ़ी बेहतर है बाहर में, पेड़ पौधा लगाया हुए उसके कारण और भी अच्छा लग रहा है देखने से। और यहाँ पे सामने में देख सकते हैं वीडियो हिलने के कारण थोड़ा दिक्कत हो रहा है, सामने में वहाँ पे तोप रखा हुआ है पुराने ज़माने का, देख ही सकते हैं बाहर का क्या है, मौसम है। तो चलिए अब हम लोग यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं, और आगे का वीडियो हम इसके बाद दिखाएंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और आपके आप लोग के नज़र में कोई ऐसा स्थान है जहां पे घूमने का अच्छा जगह हो तो ज़रूर बताएं कमेंट में, तो अगली बार वहां पे जाके दिखाएंगे आप लोग आप सभी को। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।